हेलो तो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नया वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे अगर टाटा स्काई का रिमोट प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो इसको कैसे सोल्यूशन कर रहे हैं, इसका प्रॉब्लम्स क्या है, किस रीज़न से ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, फिर बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है, या फिर लाइट तो जल रहा है रिमोट पर बट कोई फंक्शन नहीं हो रहा है सेटअप बॉक्स में। तो ये सारे प्रॉब्लम्स के मतलब क्यों होते हैं और इस प्रॉब्लम्स को कैसे आप सोल्यूशन कर सकते हो, इसको जानेंगे इस वीडियो में। बने रहे मेरे साथ वीडियो में एंड तक दोस्तों। तो ये देखिए, फिलहाल मेरे सामने एक टाटा स्काई का सेटअप बॉक्स है। तो आजकल जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स आते हैं, सारे प्रोडक्ट्स लगभग रिमोट से ऑपरेट होते हैं। तो ऐसे में अगर रिमोट ही प्रॉपर वर्क ना करे, दिन क्या प्रॉब्लम्स होता है जो इससे सफ़र होता है उन्हीं को पता है। तो सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर मेरा पास एक टाटा स्काई रिमोट भी है और इस रिमोट से मैं कोई भी बटन को प्रेस करता हूँ यहाँ से। तो देखिए, यहाँ से कोई भी बटन को मैं प्रेस कर रहा हूँ। तो जब भी आप रिमोट से कोई भी बटन को प्रेस करते तो एक एक चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए टाटा स्काई का सेटअप बॉक्स में। यहाँ पर देखिए, एक रिमोट या लाइट है, यहाँ पे आपको स्टैंड बाई लाइट है, यहाँ पे आपको अलर्ट है, अगर कोई मैसेज वगैरह हो टाटा स्काई में देनी है लाइट जलेगा। बट मिडिल में एक रिमोट का ऑप्शन रहता है, तो ये प्रेस करते देखिए रिमोट लाइट जलेगा। तो यानी कि रिमोट लाइट अगर जल रहा है देन आपका रिमोट वर्क कर रहा है। इसका बाद भी अगर चैनल्स चेंज नहीं हो रहा है या फिर कोई वॉल्यूम वगैरह कुछ प्रॉब्लम्स दे रहा है, ये तो अलग प्रॉब्लम है। तो देखिए यहाँ पर रिमोट, यहाँ से जब भी बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर प्रॉपरली रिमोट वर्क कर रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, कभी कभी देखिए यहाँ पर भी एक लाइट ब्लिंक हो रहा है, तो ये लाइट ब्लिंग हो रहा है बट यहाँ पे अगर ब्लिंग नहीं हो लाइट देन आपको समझ लेना चाहिए या तो आपका सेटअप बॉक्स ख़राब है या फिर रिमोट का अंदर में एक एलईडी होता है ये ख़राब हो चुका होगा। तो ये सब होता है प्रॉब्लम्स। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला स्टेप कौन सा फॉलो करना है, तो इससे जुड़ा हुआ ये वीडियो और बनाऊँगा, बताओ। सबसे पहले आपको क्या करना है और पहला स्टेप आपको कौन सा चीज़ फॉलो करना है, ये सारा डिटेल्स बताऊँगा ये वीडियो में। बने रहे मेरे साथ वीडियो में एंड तक दोस्तों। तो नमस्कार, तो दोस्तों मेरा नाम संजय है और आप देख रहे हैं टेक्निकल कंसेप्ट दोस्तों। तो दोस्तों, चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करके कर दे ऑल, क्योंकि मैं ऑलवेज डीटीएच एंड टीवी रिलेटेड वीडियो अपनी चैनल्स पे लाते रहता हूँ और मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक तो तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उस वीडियो को देख सको। तो चलिए, तो वीडियो में आगे बढ़ती। तो सबसे पहले आपको क्या होता है, कभी कभार बैटरी अगर लो हो जाए तभी यहाँ पर जो रेड लाइट है वो इंडिकेट होते रहता है, और यहाँ पर रेड लाइट इंडिकेट रहता है, ऊपर से आपको सेटअप बॉक्स में भी थोड़ा बहुत इंडिकेट हो ही जाता है रेड लाइट, तो कुछ लॉ काम आता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना जो सेल है इसे चेंज करके देख लेना है, इसे सेल को चेंज करके एक नया सेल को लगा लेना है, लगा के एक बार ट्राई करना है। अगर सही वर्क हो गया तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अगर इससे भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो देन कुछ और प्रॉब्लम है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये सेल को निकाल देना है रिमोट से, निकाल के इसे यहाँ पर देखिए कि छोटा सा स्क्रू होगा, मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने का। देखिए यहाँ छोटा सा एक स्क्रू है, इसे आपको निकालना है। तो इसे निकालने के लिए पेचकस के मदद से आपको इसे निकाल लेना है सबसे पहले। इसे निकाल लेना है, तो देखिए ये मैं निकाल लिया ऑलरेडी। तो अब इसे मतलब धीरे धीरे से इसे ओपन करना है, इस रिमोट को कोई भी एक पेचकस के मदद से धीरे धीरे से इसे ओपन कर लेना है। तो ये करते वक्त एक चीज़ को ध्यान में रखें, पेचकस को ज़्यादा अंदर ना प्रेस कर दे ताकि अंदर का जो इसका सर्किट बोर्ड है ये डैमेज हो जाए। इसे मैं धीरे धीरे से ओपन करने की कोशिश करता हूँ। तो हल्का सा अंदर डाल के प्रेस करें, वरना अंदर में आपको जो सर्किट वगैरह है वो डैमेज होने के चांसेस रहता है। अगर सर्किट डैमेज हो जाए देन आपका रिमोट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, अगर थोड़ा बहुत भी इसमें कुछ ख़राबी है आप सोल्यूशन करने की सोच रहे हैं। तो देखिए मैंने इसे अलग कर लिया। तो अलग करने के बाद यहाँ पे आपको एक चीज़ को सबसे पहले ध्यान देना है, यहाँ पे देखिए जो सर्किट पे अगर कहीं पे देख लीजिए कुछ गंदगी तो नहीं पड़ा हुआ है, अगर गंदगी पड़ा हुआ है तो एक कोई व्हाइट पेपर लेके हल्का से पोंछ के इसे
इसका गंदगी निकाल सकते हो कोई व्हाइट वाला पेपर लेके। तो इसे कैसे साफ़ करना है, इससे जुड़ा हुआ ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, उसे देख के आप इसे साफ़ कर सकते हो। तो साफ़ करके आप अपना रिमोट को दोबारा यूज़ में ला सकते हो। तो अगर इसे साफ़ करने के बाद भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो एक बार इस एलईडी लाइट को चेक कर ले। इस एलईडी लाइट अगर सही नहीं हुई, एलईडी लाइट को चेंज करते ही आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मतलब साफ़ करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। तो फाइनली अगर ये साफ़ करने के बाद भी, सेल चेंज करने के बाद भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये आपका एलईडी लाइट में ही प्रॉब्लम्स 100% होगा। ये लाइट चेंज करते ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये सर्किट बोर्ड का प्रॉब्लम है। तो खैर एलईडी लाइट तो आप शायद चेंज नहीं कर सकते, कोई टेक्नीशियन वगैरह होगा तो वही करेंगे। तो इससे पहले जो स्टेप है उसी स्टेप को मैं बता रहा हूँ। तो इसे इस पर आपको सफ़ेद मतलब पेपर को लेके, वाइट पेपर को लेके पूछ दे, इसमें कोई केमिकल वगैरह कोई ऑयली चीज़ की यूज़ ना करे जिससे ये डैमेज हो सकता है। तो इसे साफ तरह अच्छी तरह से पोंछ ले, पोंछ के दोबारा यूज़ पे लाए। तो मैं इसे दोबारा सेट कर लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर एक्चुअली एक एलईडी होता है जो मैं आपको बता रहा था, एक बार दिखा देता हूँ। इसे दोबारा जोड़ लेता हूँ, जोड़ के मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। अक्सर हमारा एक ही स्विच होता है कि लाइट तो वही जल रहा है बट रिमोट क्यों नहीं काम कर रहा है। तो इस चीज़ तो ये जो सोच है हमारा, ये सोच में कुछ अधूरा सोच रहता है ये हमारा। तो यहाँ पे देखिए मैं अब कोई भी बटन को अगर प्रेस करूँगा, चलिए ऐसे करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो एलईडी ये जल रहा है, तो ये वाला एलईडी जो है ये जल रहा है, बट यहाँ पे जो है मेन एक्चुअली इसी से वार्क होता है रिमोट का। कोई भी आपका टीवी सेटअप बॉक्स कुछ भी हो इसी से ऑपरेट होता है। इस पर जब लिंग हो तभी जाके आपका सेटअप बॉक्स में वार्क होगा। तो जोड़ लेते, जोड़ के एक बार टीवी स्क्रीन पर जाके देखेंगे ये कैसा वार्क कर रहा है, सही वार्क कर रहा है कि नहीं। फिर अगर सही वर्क नहीं करेंगे फिर अगला स्टेप आपको क्या करना है ये भी बताऊंगा। तो आ गए हम टीवी स्क्रीन पर, आप देखते हैं अपना ये रिमोट सही काम कर रहा है कि नहीं। तो फिलहाल मेरा ये रिमोट सही वर्क कर रहा है, मैं वॉल्यूम प्लस माइनस करके देखा है, मेरे में सही काम कर रहा है। अगर इससे भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व ना हो देन एक बार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर ले, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।